तो नाज़रीन इस वक्त हम ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है और यहाँ पर फहीम रिशी जो कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ईदगाह से लड़ रहे हैं, इनके मुकाबले में कई अब बड़े चेहरे यहाँ पर है, लेकिन इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इन लोगों ने सोचा है और क्या इनका जो है मंशूर है ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से अगर बात करें। फहीम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप आज सुबह सुबह आपकी रैली ही रैली थी, लेकिन सबसे पहले आप मजार शुहदा गए, इस हवाले पर जरा थोड़ी रोशनी डाले। हम मजार शुहदा नहीं किया, हम मजार शुहदा इसलिए गए कि वहां पे हमारे भाई है। मैं डाउन टाउन का हूँ, मैं कोई अप टाउन का नहीं हूँ। ये मेरे भाई है, इसमें मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इसमें मेरे भाई भी हो सकते हैं, हर कोई, या वो जो भी कश्मीर का भाई है मैं उसका भाई हूँ। मैं डाउन टाउन के लिए उठाऊँ, ये जो मजार शुहदा हमारा है, ये हमारे नौजवानों से भरा हुआ है, ये हमारे खून से भरा हुआ है। इसलिए पहले मैं इन भाइयों के को फातिहा के लिए आया कि हम इन नौजवानों का सौदा करने नहीं निकले हैं, हम उनकी बात करने निकले हैं जो जेलों में बंद है। जो कल भी मैंने आपके वसादत से सरजान बरकाती की बेटी को फुल सपोर्ट दिया कि हम सपोर्ट उनको देंगे, बट हम हर एक जैसे सरजान बरकाती जैसे डाउन टाउन में हमारी 10,000 बहनें हैं जिनके भाई बाप बंद है जेलों में, फहीम ऋषि उनकी बात करने निकला है। फहीम ऋषि बल्कि अपना पॉलिटिक्स कैरियर या बिजनेस करने नहीं निकला है, जैसे ये लोग यहाँ ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसे दे के वोट खरीदते नहीं। अगर डाउन टाउन के यूथ को और जो फर्स्ट टाइम वोटर उनको लगे कि उनका भाई उनके लिए निकला है जो स्टोन पेल्टिंग केसों में जेलों में बंद है। आपने कहा आप नौजवानों का सौदा करने नहीं निकले हैं, बल्कि इनकी जो फैमिली है उनके लिए सोने निकले। ये जो आपने सौदे की बात की, इस पर जरा रोशनी डाले। जो आज तक यहाँ की रिवायती सियासतदान पार्टियों ने सौदा किया हमारे खून पे, किसने? परसों एक लीडर ने गांधरबल में टोपी डाली, क्या उसने यहाँ के नौजवान जो यहाँ शहीद मकबर में सोया हुआ, क्या उसके घर वो टोपी लेके गया? हमें 2010 में गलती हुई, हमें 2014 में गलती हुई, क्या वो लीडर उनके घर गए? क्या वो कभी इन नौजवानों को फाते के लिए आए जो हमारे डाउन टाउन के भाई है, जो हमारे डाउन टाउन के नौजवान है? मेरे रगू में डाउन टाउन का खून अभी भी है, मेरे रगू में डाउन टाउन का खून है, डाउन टाउन की गलियों का खून है। जो भाई मेरे क्रिकेट खेलने निकला, जो इस मजार में सोया हुआ है, मैं उसके लिए निकला हूँ। तो क्या कुछ आपने, क्योंकि अभी भी जैसे कि आपने कहा काफी सारे नौजवान हैं डाउन टाउन के, इन नौजवानों की फैमिली से, क्या कुछ उनके लिए आपने सोचा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बात करें तो काफी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और सामने जो पार्टीज खड़ी है वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है, या उनके जो लीडरान है, जो कि अगर हम कहें जाने वाले लीडरान है, वो भी घर घर जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं। ऐसे में आप क्या कुछ आवाम के सामने लेकर जा रहे हैं, नौजवानों के सामने लेकर जा रहे हैं, जो नौजवान जो है आपकी तरफ आए? जो नौजवान जो आजकल लीडर घर घर जा रहे हैं, क्या उन्होंने 70 साल जाके किसी को जॉब दिया? आज एक लीडर ने यहाँ पे बोला है मैं 1,00,000 जॉब दूंगा, क्या 35 साल से एमएलए रहा दिया है कोई जॉब? क्या 35 साल से जितने भी यहाँ पे नौजवान इस शहीद मकबरे में सोए उनकी बात की किसी ने? क्या उनके उनके रिश्तेदारों को कोई जॉब दिया है? फहीम ऋषि फर्स्ट प्रायोरिटी उनको जॉब दिलाएगा, जो मेरे भाई इस मकबर में, उनके बहनों की जो अभी तक शादी जिनकी नहीं हुई उनकी शादी हम पहले कराएंगे। रोड सड़कें ये तो होती रहेंगे, बट पहले हमें उन नौजवानों की बात करनी है जो जेलों में बंद है, जो विदाउट केसेस जेलों में बंद है, जो जिनके घरों में इस शहीद मकबर में जवान सोए हैं। पहले हमें उन माँ बापों को और बहनों को इंसाफ दिलाना है। क्या वामिक फारूक क्रिकेट खेलने नहीं निकला था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका कत्ल नहीं किया? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी तक उस कत्ल का जवाब दिया? वो हमारा छोटा, ऐसे ही छोटे भाई हमारे क्रिकेट खेलने निकलते थे, उनको गोलियों की बोछाड़े लगाते थे, ये अपना घर बनाते थे यहाँ के डाउन टाउन के खून से। तो फहीम साहब, आखिरी चंद सवाल आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सरजान बरकाती की बेटी को सपोर्ट करने की बात आपने कही, कल अपनी पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान किया कि हम जो है उन्हें बाजाबता तौर पर सपोर्ट करेंगे, क्या आप अभी भी, क्योंकि आप भी अपनी पार्टी में रहे हैं, अपनी पार्टी से फिर अलायदगी पसंद इख्तियार की, लेकिन अब अपनी पार्टी सरजान बरकाते की बेटी को सपोर्ट करने जा रही है, क्या आप अभी भी अपने स्टैंड पर है कि आप सरजान बरकाते की बेटी को सपोर्ट करें? देखिए, अपनी पार्टी ने बहुत ड्रामे किए, अपनी पार्टी बीजेपी आरएसएस कैंडिडेट ईदगाह में खड़ा है, जिसका चुनावी निशान रोड रोलर है, वो बीजेपी आरएसएस और अपनी पार्टी का ज्वाइंट कैंडिडेट है। क्या अपनी पार्टी अभी भी लोगों को धोखा देगी? अपनी पार्टी वही पार्टी है ना, जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन वहां के प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि हम बीजेपी के साथ है। क्या वो डाउन टाउन को बीजेपी के नाम पे बेचते निकले थे? वो तब भी वो बोलते थे कि हम डाउन टाउन का काम नहीं, हम डाउन टाउन का नौजवान अब डाउन टाउन को रिप्रेजेंट करेगा, डाउन टाउन के हर माँ बाप और उस बहन को इंसाफ दिलाएगा जिनके बेटों भाइयों का कत्ल हुआ है यहाँ पे, वो भी उन सियासतदानों ने जिन्होंने आज अपने बेटे मैदान में लाए, जिन्होंने अपनी बेटियां मैदान में लाए, जो आज
हमारे खून से उनका झंडा बना हुआ है, हमारे खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। शुक्रिया।